गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठी हुई माता रानी को, भगवान को, ईश्वर को, उस परम शक्ति को प्रणाम करता हूँ। त्योहारों का सीजन चल रहा है, कल भाई दूज है, भैया दूज है, आज गुजराती भाइयों का नया साल है, सबको साल मुबारक। हमारे लिए भी नया साल है, दिवाली के बाद नई रोशनी, नई उमंग, नई ख्वाहिश होती है। सभी बहनों को, बेटियों को, भाइयों को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई। महारानी कृपा करें, मेरा भी, मेरी सभी बड़ी बहनों को, छोटी बहनों को प्रणाम, मुझे आशीर्वाद दें। दोस्तों, आप पूर्ण हो, मुझे बहुत से ऐसे ईमेल आए, व्हाट्सएप आए कि कभी कभी हम डाउन बहुत फील करने लगते हैं, कभी कभी हीन भावना आती है, हम कोई कार्य करते हैं, करते करते उसको फेल होते हैं, बात नहीं बनती है, हमें लगता है कि हम शायद कर ही नहीं पाएंगे, और हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारा सर्कल, कभी कभी हमारे माता पिता ऐसी बात कहेंगे कि नहीं बेटा, तू नहीं कर सकता, छोड़ दे इसको, ये तेरे से होगा नहीं, तू ऐसा बड़ा ड्रीम क्यों देखता है। दोस्तों, ड्रीम तो वो दिखाता है ऊपर वाला, हम नहीं देखते, वो आपको बड़े ड्रीम ही देता है, क्योंकि मनुष्य का जो जन्म है बहुत बड़ी बात है, अपने आप में ही एक चमत्कार है, उसकी बड़ी कृपा है कि उसने मनुष्य रूप में हमें जन्म दिया, और उसने कहा बेटा तू जा रहा है इस धरती पे, तू कुछ भी कर सकता है, तू असंभव को संभव बनाएगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाएगा। पर जो नेगेटिव होता है वो हमें कभी कभी इतनी मार देता है कि लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति, आपका क्लास फेलो दोस्त, बहुत तरक्की कर गया, वो तरक्की किया, बहुत बड़ी बात है, हमें उससे सीखना चाहिए। आप भी कल को बहुत प्रोग्रेस करोगे, आपके लिए भी ये बात जरूरी है, आप अपनी प्रोग्रेस का बखान करो, जो आपके साथी हैं उनको समझाओ कि कैसे प्रोग्रेस करनी है, पर ध्यान रहे कि आप उस समझाने से, उस चर्चा से दूसरा व्यक्ति डाउन ना हो। हमारी चर्चा में कभी कभी दूसरे डाउन हो जाते हैं, और जब हम किसी को डाउन करते हैं ना, तो हम भी डाउन हो जाते हैं, और हमारी सभी प्रोग्रेस रुक जाती है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी रुक जाती है, संसारिक प्रोग्रेस भी रुक जाती है, फिर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, पर हम हैं कि मानते नहीं। तो आप मेरा स्पिरिचुअल परिवार हो, हम साधना में जुड़े हैं, हम मेडिटेशन में जुड़े हैं, आप सबसे अलग हो, और आपको बहुत तरक्की करनी है, आपको आध्यात्मिकता की चरम सीमा तक भी पहुंचना है, भौतिकता में भी पहुंचना है, सब सुख लेने हैं, और समाज सेवा में भी पहुंचना है। आप सुबह से जब शुरुआत करते हो तो बस उठते ही, जैसे आपको बताया कि अपने मन में ऐसा विचार लाना, पॉजिटिव विचार लाना, और जो आप होना चाहते हैं उसके विचार लाना, और कम से कम एक घंटे तक कोशिश करो कि कोई टीवी की न्यूज ना देखो, पेपर की न्यूज ना देखो, सोशल मीडिया की न्यूज ना देखो, तब तक आप हो, आपके गुरु हैं, आपके भगवान हैं, मन ही मन उनके साथ रहो, कुछ नहीं कर सकते, आप अपने काम करते रहो,
आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम हैं उनको करो, पर माँ को याद करो, भगवान को याद करो, और जो आपका संकल्प है आप चाहते हो उसको याद करो, और जितना अपने प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम, उस खुदा का नाम, माता रानी का नाम ले सकते हो लो, और थोड़ा सा जितना ध्यान में बैठ सकते हो बैठ जाओ। अभी तो आप सीख रहे हो बहुत ज़्यादा, अगर आप इस स्थिति को कर लोगे, एक घंटा फ़ोन को टच नहीं करोगे, ऐसा ही सेम रात को सोने से पहले करो, तो आप देखेंगे कि डे बाय डे आप दूसरे व्यक्ति हो रहे हो, आप में चेंज हो रही है। तो कभी कभी दुनिया में चलते चलते हमारे मन को, हमारी सोल को, हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को नेगेटिव शक्तियां घेर लेती हैं, तो उन नेगेटिव शक्तियों को निकालने के लिए, हम नई ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने मंत्र का जाप करेंगे। सबसे अच्छा मंत्र है क्लीम कालिकाय नमः। इस मंत्र को पूरी श्रद्धा के साथ मन से भी माँ काली नजर आएं, आपकी वाणी से भी माँ का मंत्र निकले, और जो आपकी बॉडी है ऐसा ही लगे कि वो भी मंत्र में ही हो गई है, इमोशनली माँ के चरणों में जाएं, और आप अपना अपने धर्म के मुताबिक दूसरा भी कोई मंत्र कर सकते हैं, जे कोई जो आपके श्री गुरुदेव महाराज ने दिया हो उस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, पर जो क्लीम काली कहन में करते हैं वो जरूर करें। महाकाली जी आदि शक्ति हैं, तो आंख बंद करेंगे, नाभि चक्र से ध्यान धीरे 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 ऊपर की ओर अपने आप जाएगा, और इसमें आपको रेजिस से नेगेटिव को बाहर फेंकना है। क्लीम कालिकाय नमः, 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 क्लीम कालिकाय नमः। पूरे शक्ति के साथ करना है, ऊंचे स्वर में करना है, क्लीम कालिकाय नमः, 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 क्लीम कालिकाय नमः। अभी मन में धीमे धीमे जाप करेंगे, ऐसी भावना लाएंगे मन में कि मेरी सब नकारात्मक शक्तियाँ रिमूव हो रही हैं,
मैं मूलाधार चक्कर से ऊपर की ओर अपनी एनर्जी को ले जा रहा हूँ। मूलाधार चक्कर बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्लीन हो रहा है, साफ हो रहा है। मैं हेल्दी हूँ। ऐसे मेरा द्वितीय चक्र, दूसरा चक्र क्लियर हो रहा है। बस थोड़े थोड़े सेकंड ध्यान देंगे सभी चक्रा पे। तृतीय चक्र, तीसरा चक्र, मेरा नाभि चक्र क्लीन हो रहा है। नाभि चक्र को दोस्तों क्लीन करना बहुत जरूरी है। नाभि चक्र पे फोकस करें। ये धुरा है आपका, जैसे ये क्लीन होता है तो बाकी बहुत कुछ क्लीन हो जाता है। मेरा हृदय चक्र क्लीन हो रहा है। किसी के प्रति कोई द्वेष है, किसी के प्रति कोई जेलसी है, किसी से डाउन हो, किसी से अप हो, मन से क्षमा मांग लें, उसकी कुछ भी अच्छी बातों को याद करें, कुछ भी जिंदगी में उसके साथ अच्छा हुआ था, आप देखेंगे आपका हृदय चक्र क्लीन होने लगा। कहीं बुजुर्गों से, बड़ों से आपका रिश्ता खराब है तो उनसे क्षमा मांगनी शुरू करें, उनको आई लव यू कहना शुरू करें। अपने इष्ट का ध्यान करते रहें। ऐसे कंठ चक्र को क्लीन करें। माँ सरस्वती का निवास है। माँ मेरी वाणी में शक्ति दो। माँ मैं जो भी बोलूं दूसरे मुझे आशीर्वाद दें, मेरी वाणी से किसी का मन दुखी ना हो महारानी, ऐसी वाणी दो। माँ मेरी वाणी से क्रोध के शब्द ना निकले। माँ मैं किसी को डाउन नहीं करूं। माँ मैं अपने बच्चों को भी प्यार से सिखाऊं, बड़ों को भी इज्जत दूं, बराबर वालों से भी प्यार से रहूं। मैं अलग हूं, आप मेरी माँ हो ना, मैं आपका बेटा हूं, आपकी बेटी हूं, तो मैं किसी को दुखी नहीं कर सकता। आज्ञा चक्र को क्लीन करें। जैसे जे छह चक्र क्लीन होते हैं, सातवां ऑटोमेटिकली क्लीन होता है। इसको करने की कोशिश करें। आप क्लीन हो गए, आप अच्छे हो गए, तो शक्ति क्रिया मुद्रा करें। ये सेंटर वाली जो उंगली है आँख के ऊपर रखें, अंगूठे को कान के कान के ऊपर रख के कान को बंद करें और आज्ञा चक्र पे देखना शुरू करें। धीरे धीरे हाथ उठाएं, आंख खोलें, ये मुद्रा आपकी नकारात्मक शक्ति को दूर करके प्रोटेक्शन करती है, सकारात्मकता को बढ़ाने की। दिन में जितनी बार भी हो सके काम करते करते अपने मन ही मन परमात्मा को याद करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें, और जो भी व्यक्ति मिले आपसे महसूस करें कि वो भी उस परमात्मा का बच्चा है,
जब ऐसा सोचेंगे तो आपके मन में दया भाव, कर्तव्य भाव बढ़ जाएगा। वो गलत भी होगा तो उसको ठीक करने का किसी और ढंग से सोचेंगे। आप दूसरों को ठीक नहीं कर सकते हो, प्रयास कर सकते हो, पर दूसरों की नेगेटिविटी का प्रभाव तो हम रोक सकते हैं ना, अपने ऊपर ना आए, उसको नहीं आने देना। हमें स्वयं को चेंज करना है, खुद को चेंज करना है। हमें अपनी चाबी दूसरों को नहीं देनी। कोई भी आए और हमें अपने ढंग से चला के चला जाए, ऐसी बात नहीं है। आप अपने मालिक खुद हो, आपकी ज़िंदगी खुद की है। आप ने अपना मुकाम देखना है, अपना गोल देखना है, और जीवन में भूल करके भी थैंकलेस नहीं होना है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी ने कुछ भी किया हो, मान लो आपके संबंध खराब हो गए हैं, जो अच्छा किया उसको याद करो, वो मेमोरीज याद करो। जैसे आप कभी थैंकलेस होते हो, माता के साथ, पिता के साथ, गुरु के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, दोस्तों के साथ, तो आपको आप इतनी धीरे से इतनी गहराई में नेगेटिव चले जाते हो, वहाँ से वापस आते आते बहुत वक्त चला जाता है, ज़िंदगी चली जाती है, आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते हो। आप अपने आप से झूठ बोलते हो कि मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अगर आप ने की भी है, अगर आप धन्यवाद करते रहते, शुक्रिया करते रहते, मन 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 और कई गुना तरक्की कर जाते, रूहानियत में बहुत आगे निकल जाते। दुनियावी रूप से तो आप थोड़ी बहुत कर भी लोगे, आप भक्ति मार्ग में आगे नहीं निकल सकते, आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं निकल सकते। शक्ति क्रिया मुद्रा का अभ्यास प्रतिदिन किया करें, इसको छोड़ें नहीं। शांभवी मुद्रा भी आपको बताई हुई है, उसका भी अभ्यास किया करें। अभी हम हसा काला हरीम का जाप करेंगे। हसा काला हरीम, 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 हसा काला हरीम। मन ही मन जाप करें, हसा काला हरीम, 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 हसा काला हरीम। मणि मन मंत्र को दोहराते रहें। धीरे धीरे गहरी सांस लें। सांस को रोकें। फिर
धीरे धीरे बाहर निकालें, ध्यान आज्ञा चक्र पे रहे। श्वास लें, रोकें, फिर निकालें। नाभि तक गहरे से सांस को लेना है। आंख नहीं खोलेंगे, मन ही मन मंत्र होता हो करें। जब हमारी स्टेट चेंज होती है ध्यान की, मंत्र बंद हो जाता है, कभी कभी कोई दूसरा मंत्र शुरू हो जाता है, कोशिश नहीं करना, जैसे होता होने देना। ध्यान होने का नाम है। हम कह देते हैं कि ध्यान करो, ध्यान किया, पर ध्यान होता है, ध्यान घटना है जो हो जाती है। घटना मीन को जो हो गया, आपका एक्सीडेंट होता है तो वो नेगेटिव है, पर हो जाता है, आप जानबूझ के नहीं करते हो। किसी के साथ प्यार हो जाता है, आप कोशिश करके नहीं करते हो। अगर कोशिश करके प्यार है तो स्वार्थ है, उससे बच जाओ, उससे बड़ा धोखा नहीं कोई। जो आपका सच्चा प्यार है, कोई भी रिश्ता हो, बहन भाई दोस्त मित्र, आप देखेंगे गुरु शिष्य बाप बेटा बेटी, अभी झगड़ा किया 5 मिनट बाद भूल जाता है किस व्यक्ति से झगड़ा हुआ था, उसका नाम प्यार है। तो ऐसा प्यार उस परमात्मा के साथ हो जाए महारानी, जैसे उसके साथ प्यार हो जाएगा तो कभी कोई मंत्र आएगा, कभी कोई मंत्र आएगा, और जब ध्यान घटित होगा, आपका ध्यान लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पूछेंगे क्या बात, क्या आनंद आ गया, कहाँ कैसे कृपा हो गई माँ की, कैसे महारानी की कृपा हो गई। अपने इष्ट का ध्यान करते करते उसकी कृपा को महसूस करें, उसकी शक्ति को महसूस करें। उसकी शक्ति से आप ओतपोत हो रहे हैं, उसकी शक्ति की रेजेस से आप शावर ले रहे हो। शावर में सर से भी रेजेज हैं, इधर से भी, इधर से, चारों ओर से आपको एक शक्ति पुंज ने घेर लिया है। आप उस शक्ति पुंज के भीतर हो, जैसे बड़ी लाइट चलती होती है, उसकी रोशनी से आप सरोबार हो रहे हो, आप नहा रहे हो। ओ वही वो है, वही वो है, और कुछ नहीं है। उसकी कृपा को महसूस करें, और सबसे आसान काम है उसकी कृपा को महसूस करना। सबसे आसान काम है भगवान को मनाना, सबसे आसान काम है माँ के चरणों में जुड़ना, पर आप कोशिश नहीं करते, आप झूठ बोलते हो, आपको विश्वास नहीं होता। जिनको विश्वास हुआ उस उन्होंने पा लिया। और मैं तो आपको कहता ही नहीं कि आप माला पकड़ के बैठे रहो, मैं तो कहता हूँ माँ से अच्छी स्टडी मांगो, माँ से अच्छा कारोबार मांगो, माँ से अच्छा घर मांगो, माँ से अच्छा रहन सहन मांगो, पर साथ में ये सोचना कि मैं मांग रहा हूँ जो मेरे साथ लगे हुए हैं ना, उनको भूलना नहीं। अगर आप भूल गए तो फिर वहीं आ जाओगे, क्योंकि उनको माँ नहीं भेजा, जाओ बेटा इसकी मदद करके आओ। जब वो खुश होती है तो बहुत लोग आ जाते हैं,
जब आप उससे दूर हटते हो तो माँ भी फिर घर से बाहर नहीं निकलती ना, आपकी माँ कितना निकलती है, थोड़ी देर कोशिश करती है बेटे कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, उसके बाद माँ भी कहती बच्चा गया आएगा। आपके ऊपर उन शक्तियों की कृपा हो रही है, इसको महसूस करें। आप माँ के सबसे लाडले बेटे हो, आपका क्रोध शांत हो गया है और क्रोध शांत हो करके अच्छे संकल्प का रूप ले रहा है कि नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं जरूर करूंगा, मैं इसको पाए बिना नहीं छोड़ूंगा, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे माँ तेरे चरणों में आना ही आना है, मुझे माँ कोई भी तेरी भक्ति से, तेरी शक्ति से, तेरे चरणों में लगने से कोई रोक नहीं सकता। और जो भी आपका संकल्प है, माँ मैं अच्छी गाड़ी चाहता हूँ, आप दोगी दोगी मुझे, मुझे मिली गई माँ, मैं इस कंपटीशन में सक्सेस होना चाहता हूँ, मैं जो भी एग्जाम दे रहा हूँ मुझे सक्सेस होना ही होना है, दूसरे लोग कुछ भी कहें, मैं माँ सक्सेस होना ही होना है, आप मेरे साथ हैं गुरु महाराज, आप मेरे साथ हो तो मेरे पर कैसे कृपा नहीं होगी। मैं जीवन की नई प्लानिंग कर रहा हूं कि बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, तो मेरी प्लानिंग शुभ है, सबका भला है इसमें, मुझे इस प्लानिंग में सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने अपने कंपटीशन के एग्जाम को पास कर लिया, मैंने कारोबार के गोल को प्राप्त कर लिया, मेरा जो भी संकल्प था पूरा हो गया। हे माँ, आपने बड़ी कृपा की महारानी, मैं ही मूर्ख हूं माँ जो दूसरे दरवाजे खटखटाता हूं, आप ही सब कुछ करने वाली हो मां, मां अपने चरणों में और लगाओ मुझे मां, कृपा करो मां, मन ही मन मां का ध्यान। जैसे हम ध्यान करते हैं, हमारी आज्ञा चक्रा से सीधा कनेक्शन उस परमात्मा के साथ हो जाता है, माँ के साथ हो जाता है, इष्ट देव के साथ हो जाता है, हम उसी शक्ति के बच्चे हैं, हमारा कनेक्शन उसी से है। तंत्र साधना, ध्यान साधना, सीधी बात, कोई बीच में नहीं है। गुरु आपका ध्यान रखते हैं, बीच में नहीं आते हैं, सीधी सीधी बात, भगवान से ध्यान, सीधा उस शक्ति के साथ मिलाप। और तंत्र ध्यान कहता है कि आप सब सुख प्राप्त करो, सुख प्राप्त करने के बाद फिर उनका त्याग करो, और त्याग हो जाता है नहीं तो हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, फिर आग तो फिर जा करके फिर सुखों में बढ़ जाते हैं। अपनी ड्यूटीज को पूरा करो, हे माँ मुझे मेरी ड्यूटी पूरी करने की शक्ति दो माँ, मैं अच्छा वर्कर बनूँ, अच्छा बिजनेसमैन बनूँ, अच्छा भाई बनूँ, अच्छी बहन बनूँ, अच्छी बेटी बनूँ, अच्छा शिष्या बनूँ। आप पे माँ ने कृपा कर दी, माँ लक्ष्मी ने कृपा कर दी, महाकाली जी ने कृपा कर दी, आपका संकल्प पूरा हो गया। उसको एंजॉय करें, विचार करें उसके बारे।
हाथों से जो एनर्जी निकल रही है उसको अपने आज्ञा चक्र पे दें, अपने हृदय चक्र पे दें, और जब ध्यान करें कोशिश करें अपना रूम बंद करके बैठें। हे गुरु महाराज, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी कृपा की। गुरुदेव, हे माँ, आपने इतनी कृपा की, कैसे तेरा शुक्रिया करूँ। और लगता है कैसे कृपा होती है, तो लगता है जो शुक्रिया शब्द, धन्यवाद शब्द, थैंक्स थैंक यू शब्द बहुत छोटा है, कोई और नहीं हो सकता, सबसे छोटा शब्द लगता है। कभी कभी शब्द मिलते ही नहीं हैं, तो फिर वही बात, जहाँ शब्द समाप्त होते हैं, जहाँ अल्फाज ख़त्म होते हैं, वहाँ भक्ति शुरू होती है, वहाँ प्यार शुरू होता है, वहाँ कृपा शुरू होती है। हे माँ, कृपा कर, माँ कृपा कर, कृपा कर, कृपा कर। बस धन्यवाद करते करते माँ के चरणों में रहें और मयूर पंख मुद्रा करें। धीरे धीरे मयूर पंख मुद्रा को कैंसिल करेंगे, आंख खोलेंगे, हाथों को देखेंगे, स्पर्श करेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। महारानी, आप सब पे बहुत बहुत कृपा करें, भगवान बहुत बहुत कृपा करें, आपके इष्ट देव की आप पे कृपा हो, आप कामयाब हों, आप सक्सेस हों, और सबसे बड़ी प्रार्थना आपके मन में उस माँ के प्रति, उस इष्ट के प्रति, जिसको भी आप मानते हो, उसके प्रति प्यार पैदा हो, उसके प्रति प्यास जग जाए। जैसे सच्ची प्यास जग जाएगी तो प्यास बुझेगी ही वो। तो माँ, सच्ची भावना से, सच्चे मन से जो भी आपके साधक हैं, आपके भक्त हैं, उनके अंदर आपको पाने की प्यास जगे, उनके मन में आपके दर्शन करने की तड़प उठे, उनके मन में आपकी कृपा से, गुरु जी की कृपा से आगे बढ़ने की तड़प उठे, आप सक्सेस हों, कामयाब हों। आपके भीतर बैठी हुई माता रानी को प्रणाम करता हूँ। खुश रहें, फिर मुलाकात होगी।